तो अभी जो रैली बंगाल में हो रहा है, हम लोग वहां भी जाएंगे, हम लोग वहां भी जाएंगे, बता दे रहे हैं, अजीत दा के कार्यक्रम में भी जाएंगे। तो अभी जो अजीत दा जो अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, 20 लाख लोगों का टारगेट है जुटाना, जिसमें से एक हम भी रहेंगे 20 लाख में से, सुन लीजिए, बता दे रहे हैं, एक दिनेश दा भी रहेंगे और लोग भी रहेंगे, ये रहेंगे। लेकिन तो क्या अजीत दा की लड़ाई किसी पार्टी के लिए है, जो उन्होंने सुदेश जी को भी निमंत्रण दिया, सब विधायक को निमंत्रण दिया, और लोगों को भी निमंत्रण दिया, तो क्या इसका मतलब है कि उनका लड़ाई भी उसी के लिए है क्या? देखिए, इसमें सबको न्योता दिया गया है। इसमें इसलिए न्योता दिया गया है कि ये जो हम लोग का लड़ाई है, जो हम लोग का नेता है, ये लोग हम लोग का जो डिमांड है, इसके लिए क्या विचार करेंगे? ये लोग करेंगे कि या नहीं करेंगे? ये काम तो उन्हीं लोगों का है। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला दिन पंचायत चुनाव में जैसा हुआ ऐसा कुछ हो ये सकता है। राइट, हम पे लोग मैं इसको रोज बोल रहा हूं कि अब जो गठबंधन बन रहा है, ये मैं पैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, रहीम जी, महतो, मुसलमान और दलित का ये समीकरण जबरदस्त बनने जा रहा है। मैं यहाँ जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, यहाँ से जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि महतो, मुसलमान और दलित का जो कॉम्बिनेशन है, ये कारगर है और दूर तलक जाएगा ये और कड़ा पड़ेगा। कॉम्बिनेशन